है रिलेटेड वो है कि यहाँ पे हेलो इतने अलग से शोर मचाया हुआ आज तो अलग अलग नहीं नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मेरा नाम शैलजा है एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. आज माय पार्टनर इन क्राइम, माय पार्टनर इन द वीडियोस, माय पार्टनर फॉर लाइफ अरविंद, ही इज नॉट हियर. उसका अगेन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ही इज़ वेरी बिजी. तो मुझे लगा मैं ही वीडियो बना देती हूँ बिकॉज वीडियो तो बनानी ही थी. मुझे पता है आप लोग अरविंद को ज़्यादा पसंद करते हैं वीडियोज़ में, पर ये भी देख लेना प्लीज़. और अगेन इट्स वेरी सनी टुडे, इसीलिए शेड्स पहने हैं, अदरवाइज यू नो माय हेड हर्ट्स. बट तो आज का टॉपिक जैसे आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, इट इज़ अबाउट कि हाउ डिफरेंट इज़ नॉर्वे फ्रॉम इंडिया. और एज एन इंडियन जब मैं भी आई थी यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत अलग लगी थी इंडिया से, और मुझे लगा मुझे वो वीडियो पे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ. आप में से कई लोग होंगे जो नॉर्वे में आ रहे होंगे या फिर यूरोप के कोई भी देश में आ रहे होंगे, ये चीज़ें सारे यूरोप में मेरे ख्याल से सेम ही होगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो नंबर वन, ओके, सो नंबर वन चीज जो बहुत अलग है इंडिया से वो है, टैप वाटर पीना सीधे नलकों से, जो कि अगेन इंडिया से बहुत अलग है. इंडिया में हमारे घर पे आरओज होते हैं या फिर फिल्टर्स होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे आप सीधे पीते हैं नलकों का पानी, कि ये बहुत ही प्योर और बहुत ही फ्रेश होता है. और अगर आप कहीं होटल में भी स्टे कर रहे हैं, तब भी जो बाथरूम का टैप वाटर होता है आप वो ही पीते हैं. सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन बाइंग वाटर बॉटल्स, स्पेशली इन यूरोप. और अगली बात जो मुझे बहुत अलग लगी थी और काफ़ी टाइम भी लगा था इसके यूज टू होने के लिए, वो था समर्स में रात को 12 बजे तक सन. और ये चीज़ बहुत ही अलग थी. अगर आप टाइम ना देखो तो आप समर्स में बता ही नहीं सकते कि इस वक्त रात है कि दिन है कि सुबह है, क्या टाइम चल रहा है. और इनिशियली आपको सोने में भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बस विद टाइम वी गॉट यूज टू इट और अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. पर मिडनाइट सन और विंटर्स में रात रहना पूरे टाइम भर, ये दो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज टू होने में आपको बहुत टाइम लगता है, और ये ऑब्वियसली इंडिया से बहुत अलग चीज़ें हैं. तीसरी बात जो बहुत अलग लगी थी मुझे यहाँ की, वो है कि यहाँ पे हर सीजन में आपको हर एक फ्रूट मिलता है. जैसे अभी है विंटर्स और स्टिल यहाँ पे एप्पल्स अवेलेबल है. एप्पल मेरे घर पे अभी सिर्फ एप्पल्स ही थे, तो मैं आपको एप्पल्स ही दिखा रही हूँ. पर यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन और भी हर टाइप का फ्रूट अगर आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो मिल ही जाएगा. पर यहाँ पे सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होता है, मे बी दैट इज़ द रीज़न, और या फिर ये मे बी ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, पर ऐसा यहाँ पे होता है. अगर आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हर सीज़न में हर फ्रूट और वेजिटेबल मिलता है, तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो. नेक्स्ट रीज़न इज़, जो कि सबको पता है हर एक वेस्टर्न कंट्री में है ही, वो है टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ. अब वो चाहे घर की सफाई हो या फिर हो खाना बनाना, सब कुछ करना पड़ता है खुद. जब मुझे इनिशियली भूख लगती थी तो मुझे मम्मी की याद आ जाती थी, बिकॉज जब भूख लगती थी इंडिया में मम्मी खाना बना के दे देती थी, पर यहाँ पे जब भूख लगती है तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. और अगली बात जो बहुत अलग थी इंडिया से नॉर्वे की, वो थे यहाँ के इंडक्शन स्टोव. हमें इंडिया में आदत होती है अपनी LPG गैस यूज़ करने की, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इंडक्शन स्टोव ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ऑब्वियसली. और इसमें खाना बनाने में आपको इसको अगेन, पहले इसको तो यूज़ कैसे करना है इसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर एक बार यूज़ करना आ गया फिर इसमें खाना बनाने की आदत अगेन नहीं होती, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा. और अगली बात जो कि अलग थी नॉर्वे की इंडिया से, वो है कि यहाँ पे खिड़कियों में और दरवाज़ों में ग्रिल्स नहीं होते हैं. जैसे इंडिया में हमें बहुत सारी प्रोटेक्शन चाहिए होती है चोरों से, अगर आप शिमला में हो तो बंदरों से भी, इसीलिए हमने घरों पे लगाए होते हैं फेंस, ग्रिल्स वगैरह, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता. और यहाँ पे एक और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे लिविंग रूम में कोई कर्टन्स भी नहीं लगाता है. जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कोई कर्टन्स नहीं लगे, ये हमारा लिविंग रूम है.
बेडरूम में कर्टन्स है पर लिविंग रूम में यहाँ पे कोई कर्टन्स नहीं होते, जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपके घर पे होते हैं सिक्योरिटी अलार्म, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, और इस पे हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगली बात जो कि बहुत अलग थी नॉर्वे की इंडिया से, वो है फ्लोर हीटिंग, जो कि यहाँ से ऑन और यहाँ से ऑन और यहाँ से होती है ऑफ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर बाथरूम, कि आप यहाँ पे शावर से बाहर आए, यहाँ पे फ्लोर हीटिंग पूरा ड्राई कर देती है एरिया को। एंड आई रियली विश ये सिस्टम हमारा इंडिया में भी होता, खासकर शिमला में जहाँ पे इतनी ठंड होती है और हमारे पास हीटर्स होते हैं जिसके सामने पूरी फैमिली बैठ जाती है विंटर्स में। पर आई रियली होप कि वहाँ पे हमारे पास फ्लोर हीटिंग भी होती तो विंटर्स में नहाना इतना टॉर्चर ना होता। और मुझे फ्लोर हीटिंग और बाथरूम से याद आया एक और सिस्टम जो यहाँ का बहुत अलग है, वो है ये, जो कि इंडिया से बहुत अलग है। और आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अगली बहुत ही अलग बात जो मुझे यहाँ पे लगी थी वो था एक कॉमन गीज़र पूरे घर के लिए। जैसे कि आप ये वीडियो में देख ही सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल गीज़र होता है जिसके लिए आपका बाथरूम में भी गर्म पानी जाता है और किचन में भी जाता है। अगेन इंडिया में हर बाथरूम में और किचन में गीज़र अलग से होते हैं, फिर आपको कहीं का भी यूज़ करना होता है तो यू हैव टू स्विच इट ऑन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही गीज़र होता है और इसी वजह से यहाँ पे 24/7 आता है गर्म पानी। और अगली बात जो यहाँ पे बहुत अलग लगी थी और इसको यूज टू होने को भी टाइम लगा था, वो है लाइट स्विचेस। यहाँ के लाइट स्विचेस इंडिया के स्विचेस से काफी अलग है। यहाँ पे आप लाइट स्विच को जब ऊपर करते हैं तो वो ऑन होता है और नीचे करते हैं तो वो ऑफ होता है, और इंडिया में ये चीज ऑपोजिट है अगेन। तो ये चीज भी काफी अलग है नॉर्वे की इंडिया से। और अगली बात जो बिल्कुल अलग है नॉर्वे में इंडिया से, वो है यहाँ पे छोटी छोटी किराने की दुकानें नहीं होती, जैसे कि अगेन हमें इंडिया में आदत होती है कि कुछ दूध लाना है, चीनी लाना है, घर के पास ही कोई किराने की दुकान होगी वहाँ जाके ले आए। बट अगेन यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होती है सिर्फ सुपर मार्केट जहाँ पे आप जा सकते हैं और सारा सामान खरीद सकते हैं। और सुपर मार्केट से ही अलग बात है रिलेटेड, वो है कि यहाँ पे हेलो इतने अलग से शोर मचाया हुआ है आज, तो अलग अलग नहीं। सो नेक्स्ट बात जो सुपरमार्केट से ही रिलेटेड है, वो है कि संडेज को यहाँ पे सुपरमार्केट शॉप सब कुछ मॉल सब कुछ बंद रहता है, जो कि अगेन बहुत ऑपोजिट है इंडिया से। इंडिया में मोस्टली लोगों को टाइम मिलता है कि संडे को जाके ही शॉपिंग करो, मॉल जाओ, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रहता है सब कुछ संडे को बंद। अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है, ग्रोसरीज की कोई और शॉपिंग करनी है, तो आप सैटरडे को ही कर लेते हैं, और ये भी एक बहुत ही अलग बात है इंडिया से। और अब एक लास्ट बात जो कि बहुत अलग है और जो बहुत ऑब्वियस है, आपको ये बात मालूम ही होगी, वो है नो हॉन्किंग। यहाँ पे जब आप आते हैं आपको अचानक से लगता है कि सारा नॉइस पोल्यूशन कहाँ चला गया सड़कों पे, बिकॉज़ कोई हॉन्क नहीं करता है यहाँ पे, अनलेस अनटिल आपकी कुछ गलती है ड्राइविंग करते वक्त या फिर कोई इमरजेंसी है। तो ये भी एक बात है अलग, और ये सारे ही वेस्टर्न देशों में ऐसा है, खैर ये सिर्फ नॉर्वे की ही बात नहीं है, पर ये भी एक बहुत अलग बात है जो आपको भी फील होगी अगर आप आएंगे कभी इधर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। आई ट्राइड माई बेस्ट, दो आई नो आई कैन नॉट मैच अरविंद लेवल, बट आई रियली ट्राइड माई बेस्ट। सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज काफी बार होता है कि लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।